तो बेसिकली हम एक्सेल की इस क्लास में आपके साथ बात करेंगे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। देखिए जनरली यहाँ पे आप जो है बोल्ड कलर बॉर्डर वगैरह तो करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको सीखना जरूरी है और आपको नहीं आ रहा है, तो उसी चीज को कवर करेंगे। जैसे कि एक्सेल में आप टेंथ लिखते हैं ना सर, तो जैसे स्पेस मारते हैं, एक्सेल में कुछ नहीं होता बट वर्ड में जैसे स्पेस मारेंगे टेंथ ऊपर चला जाता है क्या। तो करेक्ट एक्सेल में करेक्ट आपको अगर इस तरह करना हो तो इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां आता है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इस सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए, देखिए आपके सामने आ गया। फिर से बताइए जरा, मैं मिस हाँ कर ऐसे 10 डिग्री करना है। तो जिस करेक्टर को, याद रखिएगा पूरे सेल को सिलेक्ट करके नहीं करना है, आपको डबल क्लिक करके जिस करेक्टर को करना है उस करेक्टर को करना होगा सिलेक्ट, उसके बाद फॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर सिलेक्टेड करेक्टर ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्लियर है ये या दोबारा बेसिकली बताओ। ये जो फाउंड फॉर्मेटिंग है ना जो कर रहे हैं अपन अभी। जी, तो यहां बात करें फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की, इस तरह के ट्रिकी फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। पहले इसको समझिए, समझ में आ गया ना आपको। ओके हाँ, ये दोनों समझ में आया। ओके अब बात करते हैं कि मेरे पास जो नंबर्स हैं इस तरह के नंबर्स डले हुए हैं, राइट। अब मुझे इस पे डिग्री लगाना है जैसे कि मैंने यहां लगाया। अब ओके प्रॉब्लम है कि कैसे करें, क्योंकि एक मान लीजिए कि आपको यहां पे आपने डिग्री लिखा, अब इस पे डबल क्लिक करके मुझे जाना होगा राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहां पे फिर सुपर स्क्रिप्ट, समझे। इस तरह से वन बाय ठीक वन, अगर मान लीजिए मैं किसी तरह से डिग्री लिख भी दिया फिर भी डबल क्लिक करके मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सिलेक्ट ना करें और सेल के ऊपर डायरेक्ट सुपर स्क्रिप्ट कर दें तो पूरी सेल को छोटा कर देता है, ठीक है। अच्छा, उस पे ही तो करना पड़ेगा, ऊपर वाले हाँ, पे ही इसलिए करना मुझे पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल पे ही क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ओके, और इसको अपन करेंगे तो फिर ये वो हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। जी। तो इसका सलूशन क्या है, क्योंकि मुझे इस तरह से दिखाना है, विजुअल देना है मुझे इस तरह डिग्री की, इस डिग्री की विजुअल देना है। ओके तो मैं इसके लिए एक ट्रिक अपनाऊंगा कि मैं एक अलग सेल में ओ को लिख दिया, इस ओ को क्लिक करके इसकी अलाइनमेंट टॉप और लेफ्ट कर देता हूं, कॉलम को छोटा कर देता हूं, ठीक है। और उसके बाद इसको अच्छा सेलेक्ट किया फॉर्मेट सेल पे गया और उसको कर दिया सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा अभी भी सर उतना नहीं विजुअल हो रहा है ना, तो हमने इसको सेलेक्ट किया राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और गया बॉर्डर में, हमने ऊपर का बॉर्डर लिया नीचे का बॉर्डर लिया ए बॉर्डर लिया बीच का ये बॉर्डर, सॉरी यहाँ बीच का ये बॉर्डर लिया, हम ये जो बॉर्डर है ना ए वाली जो बॉर्डर है इसको नहीं लेंगे, ठीक है। देन ओके और इसकी बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर देते हैं। अब क्या लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है डिग्री की तरह क्या। तो बेसिकली क्या है कि हमने बट अल्टरनेट, ये पर ये फॉर्मूला नहीं हुआ, ये तो फिर मतलब ये मैन्युअली अपन ने ये जुगाड़ हम एक तरह से मेरे को समझ में हाँ आया। तो सर मैंने क्या बोला कि मैं विजुअल करना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा तो हमने विजुअल कर दिया, वही जो आप जुगाड़ बोल रहे हो जुगाड़ कर लिया, ठीक अच्छा है। अच्छा इस तरह की चीजें आप कर सकते बट ये फॉर्मूला नहीं बन पाएगा एक्सेल में, जैसे आप चाहोगे कि सब हैं चीजें सर। एक जैसी दिखे तो नहीं, वो नहीं, वन बाय वन करना पड़ेगा, मुझे तो वन अभी बाय तक वन नहीं। थोड़ा वो हाँ हो जाएगा ना, मुझे तो टीडियस काम। हाँ मुझे हाँ मुझे अभी तक तो नहीं मिला है, बट आप रिसर्च कीजिए कि आपको मिल जाए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, अपन को क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि एक्सेल में अपन यही सोचते हैं ना कि एक को चेंज करेंगे तो सब चेंज हो हाँ जाएगा। हाँ अब जैसे कि मैं यहां से एक कॉलम को यहाँ लिया और मुझे इसको पेस्ट रखना है, तो एक सेल पे रखेंगे तो सही से नहीं दिखेगा, इसलिए हम क्या करेंगे कई सारे सेल करेक्ट को करेक्ट सेलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे। मर्ज कर लिया, अब मर्ज अच्छा में मुझे इस लेटर को इंटरनेट से कॉपी करके पेस्ट करना है, तो पेस्ट नहीं हुआ। ओके तो ओके पेस्ट ओके करने के लिए आपको डबल क्लिक करना होगा,
अगर डायरेक्ट करते हैं देन ओके करते हैं तो देखिए पेस्ट नहीं हो रहा है ना सर, तो इसको डबल क्लिक करके देन पेस्ट कीजिए तो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो सही तरीके से नहीं दिख रहा है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, सबसे पहले कीजिए रैप, ठीक है, फिर इसको एक तरह से अलाइन कीजिए। अब अभी भी नहीं दिख रहा है क्योंकि साइज ज्यादा है, तो आपको कॉलम की साइज को बड़ा करना होगा, रो एंड कॉलम साइज बड़ा करना होगा या फिर टेक्स्ट की साइज को छोटा करना होगा, ओके। अब इसमें एक जो काउंट इफ लगा हुआ है, एक काउंट इफ गलत है, मान लीजिए सपोज दैट, अब आपको किसी ने इस तरह का कुछ कमेंट लिख के भी होता है आपके डेटाबेस में, फीडबैक टाइप में कुछ होता है, तो आपको किसी ने भेजा, आपको लगा कि नहीं नहीं ये गलत है, तो उसको फोन करके समझाओगे गलत है या मेल पे लिख के भेजोगे गलत है, तो थोड़ी सी उसको समझने में टाइम लग सकता है। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाइए, इसकी कलर को रेड कर दीजिए ताकि हाईलाइट हो जाए, तो जो कलर रेड होगा वो सिर्फ ये जो सिलेक्टेड काउंटिव था वही होगा, और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर दीजिए तो बीचे बीचे काट भी देगा, जैसे पेंसिल वो काट देगा, गलत है, गलत है। अब ये किसी को वापस भेजोगे और बताओ उसको बोलोगे यार जो गलत था मैंने उसको हाईलाइट कर दिया देख लेना, तो उसको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि आपने हाईलाइट किससे किया है, कलर किया है, क्या किया, वो देखते समझ जाएगा कि हाँ ये गलत है, यही सर बता रहे हैं गलत है। क्या ठीक है, ये समझ में आया। ये एक मेरे ख्याल से एक चीज मेरे को बस समझना है कि जैसे आपने जैसे इंटरनेट से डाला और डालने के बाद जो पहला जो आपका जो चीज किया था आपने रैप करके टेक्स्ट, उसका मतलब क्या होता है रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? रैप टेक्स्ट समझाता हूं क्या होता है, एक बार रैप टेक्स्ट भी समझ लीजिए, जैसे कि यहां पे मुझे मैं अपना नाम लिख रहा हूं सुजीत कुमार, तो मैं लिख किस पे रहा हूं F2 पे, राइट, बट क्या है कि F2 की जो विड्थ है वो विड्थ हमारे टेक्स्ट की विड्थ के से छोटा है, तो उसने क्या किया अभी दिखा रहा है लेकिन उसने जी वाले कॉलम को भी एक एरिया कुछ एरिया को कैप्चर कर लिया, घेर लिया, कैप्चर कर लिया, तो कैप्चर तब किया है तो F ने जी को बोला भाई तुम्हारे सेल में कोई वैल्यू नहीं है तब तक मैं कैप्चर कर लेता हूँ, जैसे कि आप फ्रेंड के बर्थ पे जाते हैं, आप बर्थ पे कोई आता नहीं तब तक सो लेते हैं ना, बोले भाई आएगा तो उठ जाऊंगा क्या, ठीक तो सेम उसी ने वन डाल दिया जी कॉलम में, वन जी कॉलम में वन डाल दिया तो आधा दिखेगा फिर, जी हाँ आप जी कॉलम में आप यहाँ वन डाल दीजिएगा तो फिर वो आधा दिखेगा, तो आधा दिखे, आधा दिखे। अब मुझे इसको पूरा दिखाना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं एक रो बड़ा करूं कॉलम को बड़ा करूं, बट कॉलम बड़ा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कॉलम बड़ा करने से मेरी प्रिंट पे या मेरी विजुलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं रैप करूंगा, तो रैप क्या करेगा रो को बड़ा करेगा और बीच से स्पेस के बाद से तोड़ के नीचे ला देगा, समझे, ये रो को बड़ा कर, जी हाँ रो को बड़ा कर दिया आपके सामने बड़ा किया, ओके। आप टाइप करते समय आपको चाहिए 1 2 3 तो 1 2 3 और मैं यहाँ पे नंबर जो लिखना चाहता हूँ तोड़ के नीचे लिखना चाहता हूँ, तो मैं ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर नीचे आ जाएगा, ऑल्ट के साथ एंटर, समझे, नहीं नहीं समझे, तो जैसे कि अब आपने टाइप कर दिया सुजीत कुमार, आपने टाइप कर दिया राइट, अब टाइप करने के बाद रैप टेक्स्ट करेंगे तो स्पेस कॉलम के बीच कई सारे फैक्टरों को लेकर फिर नीचे तोड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप टाइप करते समय मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से नंबर टूटे, जैसे कि सुजीत कुमार
मैं मोबाइल नंबर डालना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ ऑल्ट एंटर करूंगा और यहाँ लिखूंगा मोबाइल नंबर 8802579388। मैं एड्रेस लिखना चाहता हूँ, ऑल्ट एंटर और यहाँ पे लिखूंगा MUAA मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ऐसे ऑल्ट एंटर करके आप अपने हिसाब से कर्सर को जहां से तोड़ना है वहां से लेके आ सकते हैं, उसी तरह की यहाँ पे एंट्री होगी। ठीक है, लिखा हुआ राइट, मुझे इस नंबर्स को गलत बताना है, ये नंबर गलत है, तो राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया, अगर मैं यहाँ स्ट्राइक थ्रू कर दूं तो पता नहीं चलेगा गलत है, तो ये जो स्ट्राइक थ्रू है वो टेक्स्ट पे ही इफेक्टिव है, नंबर पे वो इफेक्टिव नहीं लग रहा है। तो नंबर पे इफेक्टिव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा बॉर्डर में, बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया, बॉर्डर का कलर रेड कर लीजिए जरूरी है तो, और फिर मैंने इस वाले बॉर्डर पे क्लिक कर दिया और इस वाले बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। ओके, अब F4 प्रेस करेंगे तो लास्ट एक्शन रिपीट होता है, अभी F4 करेंगे तो लास्ट एक्शन रिपीट करेगा। ओके, ठीक है, अब सही का निशान लगाना है तो फॉर्मेट सेल पे आते हैं, वापस बॉर्डर पे ग्रीन कलर ले लेते हैं और यहां से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके हो गया सर। लेकिन यहाँ पर दो प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इसकी इसको कैलकुलेशन या फिल्टर में नहीं ले सकते, आप एक क्रॉस वाले सारे अलग करने हैं या राइट वाले सारे अलग करने हैं, या राइट अगर राइट हो तो उस पर कुछ और रिजल्ट आए, ऐसी कुछ कंडीशन डालनी है तो आप नहीं कर सकते, जस्ट विजुअल या प्रिंट आउट के लिए अवेलेबल है। कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए एक तरीका है कि मैं यहाँ कैप्स में P लिखूंगा और इसके ऊपर बाइंडिंग टू या बेडिंग टू नाम का फॉन्ट होता है, नीचे में W से देखिएगा, ये रहा, इस फॉन्ट को अप्लाई करेगा तो P को क्या करेगा, इस तरह के क्रॉस में विजुलाइज करेगा और इसमें टिक के निशान में, और यहां आप जो है कैप्स में O अगर आप डालते हैं तो यहां देखिए क्रॉस कर देगा, कर दिया सर। अच्छा, अब आपको इसको क्रॉस कैसे करा आपने, कैप्स में ओ डाला मैं, ओ यहां देखिए ना, अच्छा अच्छा हाँ ठीक, देखिए ये जो बाइंडिंग टू बाइंडिंग के लिए पहले सिंपल सी बात समझिए, बाइंडिंग टू एक फॉन्ट है जो पी को इस तरह के सिंबल में कन्वर्ट करता है और ओ को इस तरह के सिंबल में कन्वर्ट करता है, क्रॉस वाले सिंबल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब एक यहाँ विजुअल आ रहा है क्रॉस, आपका क्रॉस एंड राइट का निशान, लेकिन एक्चुअल में वो पी और ओ है। ठीक है, अब आपको मान लीजिए क्रॉस वाले फिल्टर करना है तो फिल्टर लगाइए और यहां से देखिए पी को फिल्टर कर दीजिए, सारे राइट वाले आ जाएंगे, क्रॉस चाहिए तो यहाँ पे ओ को कर लीजिए, सारे क्रॉस वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें फिल्टर वगैरह फॉर्मूले वगैरह लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो फॉन्ट है ये फॉन्ट पार्ट ऑफ द विंडो है। ठीक है, हो सकता है कि आपके विंडो वाले वर्जन में ये फॉन्ट अवेलेबल ना हो, ऐसा हो सकता है ना सर। Okay. हो सकता है यहाँ पर था तो करप्ट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको हमें ऐसा करना है कि यहाँ पे दूसरा कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, तो दूसरा अल्टरनेटिव के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं हम लोग करते थे जे कैप्स में जे को लिखेंगे और इसकी ओरिएंटेशन को चेंज किया जा सकता है, यहाँ से अलाइनमेंट में -45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है सर, अब देखिए क्रॉस ये आपका जे इस तरह का टिक का निशान, और क्रॉस के लिए हमारे पास एक्स तो है, एक्स लगा देंगे। ओके,
लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अलाइनमेंट का यूज इसी तरह चीजों पे होता है या कुछ और भी इसका अच्छा खासा यूज है? जी हाँ, उसका अच्छा खासा यूज भी है। मैं आपको एक इसके लिए मुझे एक छोटा सा डेटा बढ़ाना पड़ेगा। एक डालता आज की तारीख लाने के लिए क्या डालते हैं आप, कौन सा कमांड यूज करते हैं? कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। हो गया। ठीक है सर। अब यहां पे हम कुछ नाम वगैरह देते हैं। और यहां पे अब्सेंट एंड परजेंट कर देते हैं। अब ये डेटा मेरे पास है, अब मुझे इसको प्रिंट करना है। तो जाहिर सी बात है प्रिंट में ये आपका एक पेज पे नहीं आएगा। करेक्ट। तो मैंने इसको एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट की जगह पे लैंडस्केप कर देता हूँ, इसकी मार्जिन को मैं नैरो कर देता हूँ, फिर भी एक पेज पे नहीं आया। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, हमारा हमारा टेक्स्ट तो बहुत छोटा है बट आपका जो ये है साइज जो है इसका कॉलम की जो हेडिंग है वो बड़ा है, कॉलम का हेडिंग बड़ा है। तो आप एक काम कर सकते हैं इसके लिए कि कॉलम की हेडिंग का कुछ अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और यहां राइट क्लिक या अलाइनमेंट या यहां से भी अलाइनमेंट चेंज किया जा सकता है। इसको मैंने ये वाली अलाइनमेंट चूज कर ली और फिर पूरे सीट को सिलेक्ट किया और डबल क्लिक कर दिया। हो गया सर। अलाइनमेंट आपने चेंज किया, फिर पूरी शीट को दबा करके डबल क्लिक कर दिया तो वो हॉरिजॉन्टल आ गया। नहीं, हमने ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, हमने इसकी अलाइनमेंट चेंज की तो ये हॉरिजॉन्टल आ गया। ठीक है, करेक्ट। और मुझे पूरे सीट को सिलेक्ट करके किसी भी एक कॉलम का बॉर्डर पे डबल क्लिक किया तो ये ऑटो फिट हो गया, मतलब कि जितना कॉलम को साइज चाहिए उतना ही साइज होगा, फालतू साइज नहीं होगा। इसके अंदर डली गई करेक्टर के हिसाब से अपने आप को साइज को एडजस्ट कर लिया। डबल क्लिक किया आपने बस जी वो करके जी। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये जरूरी है वैसे बहुत। हाँ होता है सर। ठीक है, ठीक है जी। ये समझ में आ गया आपको? हाँ जी, हाँ जी, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए, तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कल मिलते हैं, कल हम अपने कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट वगैरह होगा तो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है।